नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पेज पे। आज हम जानेंगे एनटीए जेई मेन अप्रैल 2019 एग्जाम का रिजल्ट कट ऑफ कैसे देखें। दोस्तों पूरा ट्यूटोरियल हिंदी में। दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तभी आप पूरी जानकारी देख सकेंगे। और दोस्तों एक चीज और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने रिजल्ट डाउनलोड करने के लिंक दे रखे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको नंबर वन वेबसाइट जो है सरकारीरिजल्ट.com को ओपन करना है। दोस्तों ध्यान है, सरकारीरिजल्ट.com लास्ट में आपको .com जरूर चेक करना है, क्योंकि सरकारी रिजल्ट नाम से मिलती जुलती बहुत सी फेक वेबसाइटें आ गई हैं जिसमें आपको गलत जानकारी वगैरह मिल सकती है। दोस्तों या तो एक और नंबर वन वेबसाइट है रोजगारिजल्ट.com। दोस्तों इन दोनों वेबसाइट बहुत ही ट्रस्टेबल है, जेन्युइन है। रिजल्ट, एडमिट कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म सब आप इन दोनों वेबसाइट के थ्रू भर सकते हैं। चलिए दोस्तों सीधा हम चलते हैं सरकारीरिजल्ट.com पे। देखिए रिजल्ट का लिंक दिया हुआ है, एनटीए जेईई मेंस फेज 2 रिजल्ट विद कट ऑफ। इस पे आपको सिंपली ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों एक नया पेज खुलेगा, ये देखिए। इसमें आप देख सकते हैं रिजल्ट जो 29 अप्रैल को जारी किया गया है। नीचे आएंगे, देखिए रिजल्ट अगर आपको डाउनलोड करना हो तो यहाँ क्लिक कीजिए, और कट ऑफ डाउनलोड करना हो तो यहाँ क्लिक कीजिए। मैं पहले कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ ताकि रिजल्ट आप लोग का जो है थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाए आप लोगों की। रिजल्ट कट ऑफ डाउनलोड करने के लिए हम उस पर क्लिक कर देते हैं, और 2 मिनट का समय लेगा। ये पीडीएफ है, पीडीएफ में डाउनलोड, ये देखिए दोस्तों कट ऑफ डाउनलोड हो चुकी है हमारी। ये देखिए 89.755 गई है, ये आपकी सीआरएल की जो है कॉमन जो है, और जो ईडब्ल्यूएस जनरल की गई है वो 78 गई है, ओबीसी की 74 गई है, एससी की जो है 54 गई है, एसटी की 44 गई है, और पीएच की तो कुछ भी नहीं गई है। दोस्तों ये यानी कि जनरल की जो गई है 89.75 गई है कट ऑफ। चलिए दोस्तों रिजल्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए जो पहला लिंक दिया हुआ है डाउनलोड रिजल्ट का, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। ये दोनों चीज डालने के बाद आपको इस तरीके से अपना कैप्चा डालना पड़ेगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और यहाँ पे आपको जो फॉर्म भरा था उसका एप्लीकेशन नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये देखिए मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, इसी तरह आपको भी डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों सबमिट करके मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये देखिए सबमिट करते हैं, हमारा रोल नंबर खुल गया है। ये देखिए एप्लीकेशन नंबर दे रहा है, नाम दे रहा है, फादर नेम दे रहा है। ये देखिए पेपर वन में जो स्कोर कार्ड है वो दे रहा है। मैंने जिस कैंडिडेट का चेक किया वो एब्सेंट था, यानी इसमें आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी और अप्रैल दोनों का शो करेगा। पेपर टू अगर आप दे रहे हैं तो पेपर टू का जो रिजल्ट है लगभग 15 मई के आसपास आना है, हो सकता है 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। और दोस्तों ये देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक भी आपके यहाँ शो करेगी, फाइनल एनटीए स्कोर शो करेगा। अगर आपने दोनों एग्जाम दिया तो दोनों का नंबर आप देख सकते हैं, एक ही रिजल्ट में आपको अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो आपको कट ऑफ दिख जाएगी, हालांकि कट ऑफ मैंने आपको पहले भी दिखा दिया। दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप जेईई मेंस पेपर वन में क्वालिफाइड है तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो। नीचे जो आप कट ऑफ देख रहे थे वो एडवांस के लिए ही थी, जो लोग एडवांस के लिए क्वालिफाइड है। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि रिजल्ट जो डाउनलोड करने का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा है, आप उसको बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी एडमिशन रिलेटेड क्वारी की वीडियो हम जो आप बनाएंगे आप तक पहुंच सके। एडवांस है, बहुत सी वीडियो इसमें आने वाली है, हमारी वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए। और दोस्तों हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, ट्विटर पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।